फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, त्योहार आ गए हैं, फेस्टिवल्स आ गए हैं, तो मिठाई तो बहुत हो ही जाती है। चाहे हम एक एक पीस ही खाएं तो मिठाई बहुत हो जाती है, और उसके बाद कुछ नमकीन खाने का मन करता है। तो नमकीन में अगर हम मठियां, समोसे, मटरी, फ्राइड कचौरियां अगर इस तरफ खाने को जाएंगे तो बस हो गया कबाड़ा हमारा। तो फ्रेंड्स, मैंने तो एक जो रेसिपी प्रिपेयर की है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दैट इज प्रोटीन रिच, जो है आपका जो वेट है वो भी ठीक रहेगा, आपके स्किन को भी कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी मंचिंग भी चलती जाएगी। तो फ्रेंड्स, वो है मेरा ये वाला, ये देखिए, ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें आपको बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में है, और उसके साथ साथ अगर ये चीजें मिल रही हैं तो उसके साथ साथ ये है कि ये बहुत ही टेस्टी होने वाला है, बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी मूंगफली है वो भुन चुकी है, इसको रोस्ट कर लिया मैंने। सॉल्ट है ना, मैंने सॉल्ट रखा हुआ है पहले से, तो ये सॉल्ट में मैंने रोस्ट किया। देखिए, सारी रोस्ट हो चुकी है। अब इसको जो है इस तरह से सारी इसमें से स्ट्रेन कर लेंगे। जो सॉल्ट है वो देखिए सारा नीचे आ जाएगा, ये सारा सॉल्ट है, सैंड नहीं है, सॉल्ट है। तो इस सॉल्ट को हम फिर से दोबारा इसी तरह से रख लेंगे, फिर हमारे किसी काम आ जाएगा। सॉल्ट रोस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। अब मैं जो है इसमें मूंगफली का सेकंड बैच डालूंगी। हम फिर से इसको इसी में कढ़ाई में डाल देंगे, सारी जो सॉल्ट है। अब इसमें अब सेकंड बैच डाल देंगे। आप जितना बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, मैं तो थोड़ा ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। तो इसको भी मैं इसी तरह से रोस्ट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ ये कड़ी पत्ते लिए हैं, इनको धो के ना सुखा लेंगे, फिर इनको भी हम इसी तरह रोस्ट करेंगे। ये इनको मैंने अच्छी से वॉश कर लिया कड़ी पत्तों को, अब इनको मैं फैन के नीचे सूखने के लिए रख देती हूँ ताकि इसको फिर अच्छी से हम रोस्ट कर सके। ये देखिए, हमारा जो सेकंड बैच है वो भी मेरा रेडी है, तो इसको भी मैं अब इसमें निकाल लूंगी। ये हमारा सॉल्ट मैंने फिर से छान लिया। अब मैं इसमें डाल कॉर्नफ्लेक्स, इसको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। सिर्फ हल्का सा, इसी तरह से स्लो गैस से ऊपर। ये हमारे हो चुके हैं, ये देखिए साउंड आ रही है बड़ी अच्छी, क्रिस्पी हो गए सारे। अब मैं इनको भी स्ट्रेन कर लूंगी, इसी तरह से निकाल लूंगी। मैंने इसमें सेकंड बैच भी डाल दिया है, इसको भी इसी तरह से रोस्ट करेंगे। देन मेरे पास ये मिक्सचर है, रेडीमेड मिक्सचर है, ये वाला डाइट मिक्सचर। अगर आपको ये डाइट मिक्सचर नहीं मिलता है तो वैसे तो अगर आपके जो एरिया है आपके सिटी में बेस्ट प्राइस है तो बेस्ट प्राइस से ये डाइट मिक्सचर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको वहां से अवेलेबल नहीं होता है तो आप ये चीजें जिस तरह इसमें चने हैं, चने आप अलग से लेके आ सकते हैं, और ये चिड़वा है इसको आप अलग से लेके आ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। सेकंड वाला भी जो हो गया बैच हमारा, अब जो इसमें थोड़े से हम डालेंगे आलमंड्स ताकि साथ में हमें विटामिन ई भी मिले, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। इसको भी इस तरह से हल्का सा रोस्ट करेंगे, ये सॉल्ट में ही रोस्ट कर रही हूं मैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे।
कड़ी पत्ते जो हमारे बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, अब इनको भी मैं रोस्ट कर लूंगी। डाइट मिक्सचर भी ऐड हो गया। अब हम नेक्स्ट ऐड करेंगे ये जो कड़ी पत्ते हैं मैंने, इसको हम ऐड कर देंगे। अब अगर आप इसको और भी ज़्यादा जिस तरह कह लीजिए कि स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप रेड चिली ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा कड़ी पत्ता है ये इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, और कड़ी पत्ते के फ़ायदे जो है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, तो कड़ी पत्ते के कितने फ़ायदे होते हैं। तो ये जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी है, डाइट मिक्सचर। इसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, और हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाला है। आपकी कैलोरीज को भी कंट्रोल रखेगा एंड आपको जो है भूख भी नहीं लगेगी अगर आप इसको ले लेते हो तो। इसकी कैलोरीज भी आपकी रहेगी, आपको प्रोटीन्स भी जो है फुल मात्रा में आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो और इसको प्रोटीन रिच बनाना चाहते हो, देन इसमें आप रोस्टेड सोया ऐड कर सकते हो, तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी हेल्दी सी वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।